الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست باواز بلند حدیث الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم الشان ماہانہ پروگرام بسلسلہ گیارہویں شریف جو کہ ہر چاند کی گیارہویں کو اپنا مرکز چمنستان طاہریہ پر منعقد کیا جاتا ہے جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں دعا ہے میرا مالک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میرے پیر و مرشد کا صدقہ ہمارا آنا جانا سبوں کا اللہ قبول فرمائے تلاوت قرآن کریم کے بعد بلا تخیر ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عزت ماب محترم جناب بھائی محمد اقبال طاہری صاحب مائک پر آئیں اور آ کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے کافی ہو چکا ہے ہر مرتبہ ہمارا پروگرام لیٹ ہو جاتا ہے صرف ہم سب لیٹ ہوتے ہیں اس لیے پروگرام لیٹ شروع ہوتا ہے تو مختصر سی حاضری اس کے بعد انشاءاللہ منقبت اسی دوران سیدی و مرشدی تشریف لائیں گے بلا تخیر میرے مرشد و ربی کا خطاب دل نواز ہوگا بھائی محمد اقبال تاج مدینے والا یا منا دلال مدینے والا یا منا دلال وہ لگیا نبا جہان دا سہارا جی دا کوئی نہیں انہوں بھی گل لا جہان دا مدینے والا یا منا دلال سونے دے اگے کچھ بھی نہیں مال ہتھاں دے وچ برک تا کمال سونے دے اگے کچھ بھی نہیں مال ہتھاں دے وچ برک تا کمال او سونا جاوے گٹ کو بغیر او کھجیاں اگا جاندا مدینے والا یا منا دلال او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑ دا او کڈی ہوئی آنکھ موڑ دا او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑ دا او کڈی ہوئی آنکھ موڑ دا شفاواں ونڈن والا نبی شفاواں ونڈن والا نبی او مردے جوا جاندا مدینے والا آیا منا دا
दलाल मदीने वाला आम ना दलाल वो लगिया निबाजान दा सहारा जी दा कोई नहीं उनू भी गल लान मदीने वाला आम ना दलाल सूरज जे दे आखे मुड़े वो चन टोटे हो के जुड़े सूरज जे दे आखे मुड़े वो चन टोटे हो के जुड़े वो पत्थरानु सोना नबे वो कलमा पड़ा जानदा मदीने वाला आम ना दलाल मदीने वाला आम ना दलाल वो लगिया निबाजान दा सहारा जी दा कोई नहीं उनू भी गल लान मदीने वाला आम ना दलाल मंगो जे सदका नबे दियाल दा वो सोना फिर नहीं टालदा मंगो जे सदका नबे दियाल दा वो सोना फिर नहीं टालदा आ जावे मंगता कोई वो सुलता बना जानदा मदीने वाला आम ना दलाल मदीने वाला आम ना दलाल वो लगिया निबाजान दा सहारा जी दा कोई नहीं उनू भी गल लान मदीने वाला आम ना दलाल ए ताकतां हजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां ए ताकतां हजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां जिथे ना कोई नूरी गया उथे भी सोना जा जानदा मदीने वाला आम ना दलाल मदीने वाला आम ना दलाल वो लगिया निबाजानदा सहारा जी दा कोई नहीं उनू भी गल लानदा मदीने वाला आम ना दलाल जज़ाकअल्लाह। ये थे भाई मोहम्मद इकबाल ताहिरी साहब जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में हदिया नात पढ़ रहे थे। अब मैं हदिया मनकबत के लिए मोहतरम जनाब खालिद महमूद ताहिरी साहब ब्रांच संबड़ियाल बन जासी ओ तू निकी जई हाँ कर दे ओ तेरी कीमत बन जासी ओ तू निकी जई हाँ कर दे ए जमात मेरे सजना दी केड़ी लग दी प्यारी ओ किड़िया सोनिया पगड़िया ने ओ हर चेहरे ते दाड़ी ओए फैज़ ते नबवी ओ पे सजन सखा कर दे जिंदगी नू ओ
मेरे पीरां दे ना कर दे। सज्जन दिलां दा सौदागर है अल्लाहबाद विच लाए डेरे, ओ सर सजदे च रख दे सी अमुक जासन दुख तेरे। ए घराना ए सखियां दा ओ पे सखी ओ सखा कर दे। ओ की पता इस जिंदगी दाए ओ केड़े मोड़ ते मुक जानी। ए चीज बेगानी ए ओ मालक ने ओ ले जानी। ए नफे वाला सौदाई सजना तू फिदा कर दे। की कर नयो जिंदगी नू मेरे पीरां दे ना कर दे। यह मनकबत के लिए मोहतरम जनाब अबरार अहमद ताहरी साहब, अबरार अहमद ताहरी साहब तमामी दोस्त बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि। तेरा रुतबा कमाल, तेरा रुतबा कमाल, तूए पीर लजपाल अल्लाहबाद वालिया। तेरा रुतबा कमाल, तेरा रुतबा कमाल, तूए पीर लजपाल अल्लाहबाद वालिया। तेरा फैस बेमिसाल, तेरा फैस बेमिसाल, तेरा मंगता मालो माल अल्लाहबाद वालिया। तेरा फैस बेमिसाल, तेरा फैस बेमिसाल, तेरा मंगता मालो माल अल्लाहबाद वालिया। अरबी अजमी सिंधी पंजाबी दर तेरे ते डेरे ला बैठे, जान हवाले दिल नजराना कदमा बेच टिका बैठे। तेरे चेहरे दानूर, तेरे चेहरे दानूर, देंदा डाडाए सरूर अल्लाहबाद वालिया। तेरा रुतबा कमाल, तेरा रुतबा कमाल, तूए पीर लजपाल अल्लाहबाद वालिया। अल्लाह कर सिखाया, उंगल मुबारक दिल ते रख के मुर्दा दिल जवाया। होई दुनिया हैरान, होई दुनिया हैरान, किवें भुला मैं एहसान अल्लाहबाद वालिया। तेरा रुतबा कमाल, तेरा रुतबा कमाल, तूए पीर लजपाल अल्लाहबाद वालिया। तेरा फैस बेमिसाल, तेरा फैस बेमिसाल, तेरा मंगता मालो माल अल्लाहबाद वालिया। अल्लाहबाद दे मैहाने विच जिस जाम गफारी पीते, कावा दे तुसा बाज बनाए कंडिया
दे पुल की ते आखे रियासत गरीब आखे रियासत गरीब मेरे खुले ने नसीब अल्लाहबाद वालिया तेरा रुतबा कमाल तेरा रुतबा कमाल तुए पीर लजपाल अल्लाहबाद वालिया तेरा फैज बेमिसाल तेरा फैज बेमिसाल तेरा मंगता मालो माल अल्लाहबाद वालिया हक मुर्शिद लजपाल हक पीर अस्तली अल्लाह अल्लाह हदिया मनकबत के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद फरहान ताहरी साहब सजन साई सजन साई सजन साई सजन साई सोना साई मिठा साई फजल साई सजन साई सजन साई सजन साई निगाह जब ये उठाते हैं हजारों गम मिटाते हैं ये रूहें जो में उठती हैं नशा ऐसा चराते हैं तौहीदी में पिलाते हैं मेरे मुर्शिद सजन साई तौहीदी में पिलाते हैं मेरे मुर्शिद सजन साई सजन साई सजन साई सजन साई सजन साई कब्र में मेरी ना आना फरिश्तों ऐ कब्र वालों यहाँ पर कौन आए हैं इधर आओ नजर डालो चले जाओ चले जाओ यहाँ पर हैं सजन साई चले जाओ चले जाओ यहाँ पर हैं सजन साई सजन साई सजन साई सोना साई मिठा सा ये थे मोहतरम फरहान ताहरी साहब दोस्तों ये माहे मुकद्दस शोबानुल मुअज़्ज़म 10 तारीख 4 दिन के बाद शब बरात आने वाली है वो ऐसी रात है रब ताला फरमाता फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम हर हिकमत वाला काम उस रात को बांट दिया जाता है इंज समझो के सारे साल दा बजट अल्लाह ताला तकसीम कर देंदा है कौन किथे मरेगा किथे पैदा होवेगा अल्लाह मुआफ़ फरमाए जो जो कुछ होना है जिन्हें जाना है जिन्हें आना है सारा निज़ाम अल्लाह ताला फरिश्तों के सुपुर्द फरमा देता है और रात कैसी है मेरे करीम आका अली सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया अली उस रात को कयाम किया करो दिन को रोज़ा रखा करो रब ताला 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा मुख्तलिफ रिवायात ने कई तो इनकार करते हैं अलहम्दुलिल्लाह असीं मनण वाले इनकार करन वाले नहीं ये रात बड़ी शाना वाली रात है बड़ी बरकतों वाली रात है दोस्तों इस रात की कदर करनी चाहिए है इस रात के अंदर एक ऐसा लम्हा होता है रब ताला को जो भी मंगी है अल्लाह उस वेले अता फरमा देता है काली नहीं मचानी चाहिए जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी बंदे सुनिया कि शबे बरा असी तो पटाखे वाली रात आने ना छुरलियाँ पटाखे तो पता नहीं की कुछ आ गया ये दोज़ख़ तों निजात वाली रात है किसी बंदे सुनिया इस रात में अल्लाह ताला को जो मंगिए देंदा है वो मेरे वांगू लालची सी वाण में चला गया लक्कड़ दा सुहागा चुकिया आखी जाई या अल्लाह सोने दा कर दे सोने दा कर दे सोने दा कर दे करना तो किन्ने में अल्लाह नहीं करना ना वो जो तो थक गया ना बेचारा वाहवा लक ना होने लगा सुट के आंदा चल सोना ही नहीं बनना तो लोहा ही बन जा वो कबूलियत की घड़ी सी लोहा ही बन गया जल्दी नहीं मचानी चाहिए रब को मंगते रहो तो दोस्तों इस रात की कदर करना है अब मैं बिला तखीर हदिया मनकबत के लिए इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब मोहम्मद उस्मान ताहरी साहब उनको दावत देता हूँ कि वो माइक पर आएँ और आकर अपने पीर व मुर्शिद की शान में हदिया मनकबत तमामी दोस्त बाबाद बुलंद दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहिका या दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहिका या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ جاواں صدیق اللہ بدی پیر سونیا جاواں صدیق اللہ بدی پیر سونیا اکھا ترس گئی تیرے دیدار نو اکھا ترس گئی اکھا ترس گئی تیرے دیدار نو تیری دید اجی اس دکھے آر نو اللہ بدی پیر سونیا اللہ بدی پیر سونیا جندے ہونے ہجر والے صدے میں نہ سیندیے مکھے جیوے گھاوے سینے تا ٹھنڈ پیندیے مکھے جیوے گھاوے سینے تا ٹھنڈ پیندیے ساڈا سونیا تو مانتے ترانے ساڈا سونیا تو مانتے ترانے تیرا عشق ساڈا دین تے ایمان اللہ بدی پیر سونیا جاواں صدیق اللہ بدی پیر سونیا جاواں صدیق پیر سونیا پیرا سندھ والے آوے اچھی شان والے پیرا سندھ والے آوے اچھی شان والے کچھ آنے کمی آنو سینے لان والے کچھ آنے کمی آنو سینے لان والے تو تے ساڈیا امیدا دی بہارے تو تے ساڈیا امیدا دی بہارے تو تے ساڈیا امیدا دی بہارے تو تے عاشقاں دے دلاں دا سونیا جاواں صدیق اللہ بدی پیر سونیا روشن چراغ تو سونے سائیں ولی دا روشن چراغ تو سونے سائیں ولی دا ہے نیرا تو سا دور کیتا ہر ایک گلی دا تینوں فیض دیتا سونے سائیں پیر نے تینوں فیض دیتا سونے سائیں پیر نے شہنشاہ تیرے در تے فقیر نے اللہ بدی پیر سونیا جاواں صدیق اللہ بدی پیر سونیا خواجہ پیر میٹھے دا تو نظر من زورے خواجہ پیر میٹھے دا تو نظر من زورے سونے سائیں ولی دی تو اکھیاں دا نورے سونے سائیں ولی دی تو اکھیاں دا نورے اج ریاست وچ آیا دربار تا
गुनागार ते अल्लाह बादी पीर सोने जावा सती के अल्लाह बादी पीर सोने अखा तरस गैया अखा तरस गैया तेरे दीदार नो अखा तरस गैया सच के सजन सही पीर सोनिया दोस्त दरूशी पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जिन्ना पकड़ा है दामन औलिया दा उन्ना पकड़ा है दामन मुस्तफा दा इन्ना दा हथ रसूलुल्ला दा हथ है रसूलुल्ला दा हथ अल्लाह दा हथ है यदुल्लाए फौकाए दीम गवाही दो जग विच इन्हां दी बादशाही वजीफों विरद चिलों से अगर हासिल खुदा होता मुर्शद बिन खुदा मिलता तो मुर्शद कब रवा होता न मकतब से न कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा पाक औज़ात जिसने बगैर थम्मा दे आसमान छत बनाया पा के औजात जिस पानी दे उत्ते मिट्टी का बिछाना बिछाया बुजुर्ग फरमांदे ने जिवें साडियां शकलां इक्को जिहियां नहीं एवें साडियां अकलां भी इक्को जिहियां नहीं अपने पिंड च वेख लो पूरी दुनिया च वेख लो शकल नाल शकल नहीं मिलती इंजी अकल नाल अकल भी नहीं मिलती इस तरह सोचां भी इक्को जिहियां नहीं जितने इत्थे बैठे हो सारे दे दिल इत्थे हैं वेख के दसो वेख के तुहानू पता लगेगा इत्थे तो बहुत बैठे ने इंज सारी उम्र भी आउंदा रहे पीर दा काम तो हुंदा दिल धोणे ते दिल छड्ड आओ घर कोई धोबी हो जाए वेख्या जिहड़ा तेरे गले च कपड़े धो देवे देने पौंदे ने यार दिल देवोगे तो दोपणगे ना पीर पकड़न का मकसद यही अपने बिरादरी जिन्हों जिन्हों जानते हो वेख लो सोच एक जैसी नहीं
कोई कबूतरां दा आशिक है, कोई कुत्तियां दा आशिक है, कोई कारोबार मगर जिंदगी तबाह कर छड़ी। दिन रात उन्हों सजा लगी हुई है, तो जिन्हों भी पूछो आगे रोजी अल्लाह को, जे सच्ची गल होवे यकीन इंज करें फिर अल्लाह ते यकीन रख। जबान ना नया एक दिन मर जाना, जे एक दिन मर जावन ते यकीन होवे फिर बंदा गुनाह करेगा। और जो डॉक्टर आख देंदा ना तीसरे महीने मर जाना फिर बंदा गुनाह करदा, वो तो खाना पीना भी छड़ देंदा, रोना शुरू कर देंदा है, लोगों के घर में जाता है आंदा मैनू माफ कर दो, मैनू लड़िया बोलिया माफ कर दो। तो जे अल्लाह का कलाम सच्चा ने, उस फरमाया रोजी मैं देवांगा, देंदा भी पिया है। इतने जेडे आए वो बंदे ये गरु लेके आए हो खाना, किदा ही मने जाते हो तो लेके जाते हो खाना, जिथे रोजी उतरती है बंदा उत्थे जाके खाता है। कई बंदे तैयार होए मन ग्यारहवीं ते, लेकिन कई नहीं आए, कई नवे आ गए। जिन्हां दा दाना पानी उतरता है ना, वह बड़ोलिया वाली तेरी नहीं हो, बैंक वाली भी तेरी नहीं हो, सकता बड़ोलिया वाली मुकाना दे काम आवे, पैसे बैंक च पै रवणगे, चैकबुक घर पई रहेगी तो तू कब्र चला जाना। उदों समझ आई तो की आई, अज जबान ना ना रोजी अल्लाह दिंदा, फिर दुध च पानी ना पाया कर, फिर जाली महंगाई ना कीती कर। खुदावंद करीम साढ़े तो सारे चंगे ने, जिहड़े डाक्टर वेखण दी फीस लेंदे ने उहदे विच उहनां दा खर्चा की हुंदा, महंगाइयां कितनियां ने, फिर सारे टैस्ट लिख के दे छड्डदे ने। बंदा पुछे उहनां नूं भी तुसीं इह वेखण दे पैसे की लए ने, उह हकीम तां वेख के दस छड्डदे आ, तेरे मेदे च नुकसे, तेरे जिगर च नुकसे, तेरे गुरदिया च है मामला, तो ये जड़ी फीस भी वह पहले लेंदे ने, वो तो पिछे लिख देंदे ने आया टेस्ट करा के लिया। वो गरीब किदों लेके आता है तो आता नहीं नहीं फलानी लिबार्टरी करा के लिया। जदों कबरां दे विच जासें तो पिया रोसें तो गम खासें तो इन्ना वेलिया तो पछतासें तो नेकी कमा अज वक्त। ये सोचता है कि फलाने मुल्क विच तनखा ज़्यादा है, और सारे उत्थे सैट हो जाते हैं, वो हाल रहा उत्थे जाके भी, तो जे इत्थे ही करते अल्लाह ते तवक्कल रख के करते वो राज़क उत्थे भी है। हुण मसीह ते आउंदा ही कोई जुत्ती चावण है, अल्लाह उन्हें जुत्ती नहीं देवेगा। वो जो तू मंगने ही वीजा है, अल्लाह कोई वीजा की थोड़ है, वो दे छड़दा है। हुण तो मावा भी आदि ने, भावें इको पुत्र हो गए, अगे मावा ना आने जा, दौर बदल गया, न यारों में रही यारी, न भाइयों में वफादारी, मोहब्बत उठ गई सारी, फिजा के हाथ क्या है। माँ दी इह भुखे रह लवांगे, माँ तो पुत्र नूं अखां तो दूर नहीं करदी, ऐसे मावां आउंदियां ने, आ दुआ करिया जी मेरा पुत्र बाहर चला जाए। कितने पुत्र ने इको ही खैर नाल, वो भी अखां तो दूर भी करनी मावां च करदियां, तुहानूं तो नहीं पता, सियाणी उमर दे बंदे कोल पुछ लो नान करदियां, तुसां वो मावां नहीं वेखियां जड़ियाँ चक्की पीदियाँ आदियाँ, जड़ियाँ चरखे कदियाँ आदियाँ। मैं बच्चियों नू आना, ये अजकल ज़्यादा ऑपरेशन ना बच्चे क्यों हो रहे हैं, कोई है जेड़ा नॉर्मल होंदा है, ये पुत्र तुसी काम नहीं कर दी। अगलियाँ माइयाँ वो चरखा कदियाँ, चक्की पीदियाँ, सारे काम भी कर दियाँ,
ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਬੂਲ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂ, ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੁੜ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤਾਂ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿਉਂ ਲਵਾਏ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ। ਜੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਮਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਬਣ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਬਣ ਨਾ ਲਿਆਵੇਂ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਈ ਆਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਉਦਣ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ, ਦਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੁੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਨੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੌਲ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਮੇਰਾ, ਪੈਲੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਉਹ ਗਿਆ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਪਾਲ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਡੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਲ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮਗਰ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਜ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਆਖਣਗੀਆਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ
मुड़ पैसे वंडन लग पे। अल्लाह ताला जैसे कब्र च गया, अल्लाह पूछे भी आज बड़ा साखी बन गया। आखे जी मैं आखा मैनू चंगा तो किसी आखना कोई नहीं, थोड़ा आ दो चार बंदे तो मैनू चंगा आखन गए। अल्लाह ताला फरमाया जा मैं तेन बखे छड़िया, तू इकरार कर लिया जुर्मा दा ते नाले तू मुड़ा सखावत भी कर। सखी खुदा दा दोस्त हुंदा है। हुण बड़ा टाइम जे जिवें महंगाई है, जिवें बेरोजगारी है, वो मिस्त्रियां कोलों काम करा लेंदे ने ते पैसे नहीं देंदे। तैनू किहड़ा शौक आ बंगले दा, वो तेरा घर तां कबर है, वो खराब पिया करना है तू। मेरे आका ने फरमाया मजदूर दे पसीना सुकण तो पहले उनकी मजदूरी दो। गुलाम है गुलाम है इंज आखण ना ते गुलाम बन जा। न सूरत है मुसलमानी, न सीरत है मुसलमानी, बला इस हाल में हम पर हो कैसे फजल यजदानी। मदीने के गदा देखे जहां भर के इमाम अकसर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अकसर। ये नारा मारद है गुलाम है गुलाम। दाढ़ी रखने तो कितना खर्चा होगा, मेरी समझ तो को नहीं। पैसे जेडे नहीं रखते उन्होंने शायद शक है। ये शकल किना दी, नबी करीम की शकल है। एक बंदा यहूदी मरण लगा तो उनकी दाढ़ी है। किसी बंदे पूछया भी तू दाढ़ी किवें रख ले, उस आखा मेरे प्यो की होंगी आई, मैनु अपने प्यो ने मुहब्बत आई, मैं दाढ़ी रख ली। मुसलमान की हकीकत रह गई है कि इस्लाम की खातर सिर दे छड़दा है, अमल नहीं करता। अगर लोग डरते पैनते जे पाकिस्तान को डरते, अपने अमल वेख लो की हो जाए। इन्होंने इशक अजे है दोस्तों, इशक की निशानी ये नहीं होंगी कि महबूब का चेहरा भी चंगा ना लगे, महबूब के कम भी ना चंगे लगे तो उन जाके मैनू प्यार बढ़ा दे ना। आ जिहड़े नौजवान ने मैनू तो बड़े प्यारे लगते हैं, ताड़ी मुन्ने खबरिया ने वेखते ने किड़िया नूरानी शकलां ने। मेरे नबी की यह सुन्नत है तो अल्लाह नू भी प्यारी। फत्ता भी वो नहीं, अल्लाह तआला फरमाया मेरा महबूब इन्हों आख जिमें मैं काम करना जी मेरी शकल है, जिमें मैं खाना, जिमें मैं शादियां कर इंज करो। नबी नू शादियां की लोड़ ही करना है, नबी नू खावण की भी लोड़ कोई नहीं। एक मजदूब होंदा वो छे छे महीने नहीं खाता, उन्हें भुख ही नहीं लगती। मिस्र दी औरतां यूसुफ अलैहि सलाम नू वेख्या तो उन्होंने भुख ही ना लगी, कैद पै गया मिसर च। अल्लाह ताला फरमाया यूसुफ अलैहि सलाम नू तू इन्होंने अपना दीदार करा छड़िया कर, अठा दिन पिछ दीदार हो जाए वो जिन्हों को कणक आन वाधू पईआं रही, जिन्हों अल्लाह का दीदार हो जाए। तजल्ली नहीं सामने बह के, मेराज के शब कहता था खुदा तू और नहीं मैं और नहीं, महबूब मेरे आया सामने आ तू और नहीं मैं और नहीं।
नूर से तुझको बनाया है वो नूर हकीकी मेरा है। पर्दा है बज़ाहिर सूरत का तू और नहीं मैं और नहीं। अल्लाह ताला फरमावन ऐ महबूब होर थोड़ा जा नेड़े हो, होर थोड़ा जा नेड़े हो। जिमें कमान वेखी तीर आले आ फरमाते ने इंज ते मैं अल्लाह नेड़े हो गए जिमें कमान दे दोवें सिरे ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बेहोशी हुई कोई होश च रह। कामल दा काम हुंदा होश च रहना, मजजूब दा बांडा थोड़ा हुंदा। उंदे को लोग कितना डरदे ने। ओ उस वक्त आंदा जा कुत्तिया फलाने फल जिहड़ी ओ मुंह दे च निकल जावे हो जांदी। उंदे च गुस्सा ज्यादा हुंदा। कामल बिच जे गुस्सा करे तो किमें सलाह किमें करेगा, फिर लोग इंदे को आवणगे नहीं। ये परदा पाउंदा इंदे च खुदाई सिफत ये आ जाती है कि वेख लैंदा बंदा है गुनाह करदा पर उन्हें मालूम नहीं होण दिंदा मैनूं पता लग गया फिर सौना कोई ते जे ना आया तेनूं साफ कहां करना। ते जे आ गए तो शैतान आंदा दिल घर छड़ जाओ उसे दोब जाने। असी सिंध जाने मैं फकीरां नूं आखना पूरे पूरे जाना है, ये नहीं दिल इत्थे होवे ते आप उत्थे लगा। कितनी बारी जावेगा ते बांडा मूधा मारे टूवल दे चलदे पैदे ते उंदे च पानी पै जांदा। लोग भर भर के आउंदे पए ने ये जिंदे को पानी नहीं ऐसा को टूवल ते पानी को नहीं। बेवकूफा तेरे नाल दे तो भर के आए ने इन्हां नूं पुछ ला मम्मी उत्थे गया गया तो हाई यार उसका बांडा किवें रखिया जी। उस मालक दसिया उस बांडा मुद्दा रखिया। उस बंदे आख्या क्यामत तक भी रखे रखे तो इन्हें तो एक तरोपा भी नहीं पड़ेंगे। बांडे सीधे रखो दुआ करो मम्मी सीधा रखा। इंदा मतलब ये नहीं कि मैं थोड़े च खामी वे ना सही गल तो एक मैं ये तकरीर करना जेड़ियाँ मेरे अपने च खामियाँ आदि भला जे थोड़ी दुआ ना अल्लाह ताला मेरिया भी दूर कर दे। वो कई छुपे रुस्तम ने मेरे पीर की जमात वो चंगा नहीं होंदा जेड़ा उच्चा बैठा होंदा कख काना उत्ते होंदा हीरे मोती हेठ होंदे। हे जमात मेरे पीरां दे अकड़ी लग दी प्यारे केड़ियां सोनियां पगड़ियां ने हर चेहरे ते दाड़ी है। ये शक्ल नहीं सोहनी सोहनी लगती मेरे ख्याल है खर्चा ज्यादा होना ने खर्चा को नहीं मिस्त्री ने मेरे पीर दे वो गोवा से बह के ते पगड़ियां ही बनिया होंदियां उत्थे लोग हैरान हो जाते ने ना ये थकते ने ना नचते ने पढ़ते पाते ने अकना ने थकना ने इंशाल्लाह हर वेले बोलना है अल्लाह अल्लाह। शाम को नचते नचते आते ने वो साढ़े सिंधी लोग दसते ने पता नहीं ये थकते ही नहीं तरक्की होंगी गई पालिया के आद्या ने ही जिन हैं मुड़ आखण ही मलायक हैं। मेरे सज्जन साहब ने की ना रखिया ये खुदाई जमात है तरक्की हो गई ना
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਐਸੇ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ, ਰੱਬਨਾ ਲਤੁਜ਼ਿਗ ਕੁਲੂਬਨਾ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ ਹਦਾਇਤਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬਨਾ ਲਤੁਜ਼ਿਗ ਕੁਲੂਬਨਾ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ ਹਦਾਇਤਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਲੂਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਲਬ ਦੀ, ਕਲਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦਿਲ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇੜੇ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਭਰਿਆ ਉਸਦੇ ਜਾਣੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹ ਕੰਬਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ? ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਮੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੁਰੀਦ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੌ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਛਾਨਣ ਰੀਤ ਨਾ ਕਾਈ, ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬੱਧੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਾਤ ਵਿਆਹੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਡੱਗਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨਾ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਛਿੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ। ਆਦਮੀਅਤ ਲਾਹਮ ਸ਼ਾਹਮ ਪੋਸਤ ਨੇਸਤ, ਆਦਮੀਅਤ ਜੁਜ਼ ਰਜ਼ਾਏ ਦੋਸਤ ਨੇਸਤ। ਚਮੜੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
भला दंद क्यों दिते अस चक वड्डन रहन या खावन का ज दंद दिते नू खावन ना देवेगा और दंदां दी की लोड़ है। बच्ची पैदा होंदी तो उंदी छाती होंदी, बच्चा पैदा होंदा तो उंदी छाती कोई नहीं होंदी। ये बच्ची ने जवान होना है फिर इंदी शादी होनी, औलाद तो फिर होनी। अल्लाह ने बंदे दी रोजी का इंतजाम पालू कर छड़िया है। कर गौर मेरी बात पर, कर नजर अपनी जात पर, कुछ दिन यहां मुलाकात कर, सब अंबिया जाते रहे। रोजी 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 मेरे पीर फरमाते हैं जितना बंदा रोजी 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 करता है, जे एता करे राजक 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 करे तो रोजी इन्दे मगर मगर फिरे। राजक नहीं रोजी रोजी जिमें अल्लाह ने सारियां शक्लां एको जी ने बने, एवें साड़ी अकलां तो सोच भी एको जी नहीं। एक बंदा उस नौजवानी जी सुन लगा कि एक पत्थर होंदा है जिंदा नाम पारस पत्थर है, वो लोहे नू लग जाए ना तो लोहा सोना बन जाता है। ये पत्थर है उनका नाम है पारस, उनके विच एक खासियत है कि लोहे नू लग जाए ना तो लोहा सोना बन जाता है। उस आख्या वीजा लवण की बजाय कारोबार करन की बजाय मैं वो पत्थर लब्बा जे लब जाए कि जिहड़ी शायद ही बंदा कोशिश करता वह मिल जाती। असां कीती कदे नहीं भी रब मिल जाए, असां कीती कदे नहीं कि खुदा राजी हो जाए। उदों तो तू आखेगा या अल्लाह मेथों गलती हो, अज वक्त है भाई अज वक्त है। वो गुरु निकल गया, जदों बंदा घरों निकल जाता है ना तो उनके विचों बीवी बच्चों की कारोबार की मुहब्बत निकलन लग पी। आ जे बाहर जाते हैं जे मुहब्बत रवे ये किवें रवन उत, इन्हां दे दिल विच माल की मुहब्बत आ जाती, बीवी की कोई नहीं बच्चों की कोई नहीं। वो घरों निकलिया लभदा लभदा पत्थर बुढ़ड़ा हो गया। उड़ काग गए आ बग गए ऐना बगलिया में आए उड़ जाना है। काले गए चिट्टे बाबा फरीद सुनते ने कां चले गए ने बगले आ गए ने आए ना बगलिया भी आए उड़ जाना है। ए दुनिया मकाम फना दाए आए थे नाम अल्लाह राणा है। बुढ़ा हो गया, एक ऐसे पिंड च या शहर च गया उथे उन्होंने दस पे कि वह पारस पत्थर इस इलाके च है। किवें पता लगा? उस इलाके दे लोग अपनियां भेड़ां ते बकरियां नू लोहे दियां खुरियां लाउंदे आण, वो कितों लग जांदी सी ना ते वो खुरी सोने दी हो जांदी सी। वो राती ला लैंदे सन नवीं ला छड्डदे सन। इहनूं यकीन हो गया भी वो इस इलाके च किदां ही है रह पिया। आखर लभ गया पर उतने चिर नूं खाश खत्म हो गए। साडी तो बुढ़िया एवं नहीं होंदी, उंदी खाश खत्म हो गई। जे खाश खत्म हो जाए तो पत्थर ते सोना
यक बराबर, जदों लालच ही नहीं उन्हों की फर्क पौंदा है आ सोना है ते आ पत्थर है। लब गया उन्हों सोच खत्म हो गई, हुण आ सोच आ गई यार हुण मैं की करना कारखाने बना के, की करना है मैं जमीना खरीद के, की करना है मिलां ला के, बच्चे हुण खांदे ही पए ने, ये मैं पत्थर किसे नेक बंदे नू दे छड़ना, वो मदरसे बनो सी मसीतां बनो सी मैनू घर कबर च पिया फायदा उस। हुण जितना पारस पत्थर लभना औखा है ना, ये तो ज्यादा औखा है नेक बंदा लभना। सारे दाड़ियां वाले नेक होंदे ने, सारे दाड़ी मने बदमाश होंगे, किसे पता लगे? वो तो वरतेगा तो पता लगे। वो हुण लभदा लभदा किसे जंगल च गुजरदा पिया है, ते उत्थे दरिया दे किनारे ते एक नौजवान लड़का वो इबादत करदा पिया, इहदा दिल मुतमिन हो गया कि लोक के करदा पिया दुनिया तो, ते है भी जवानी दा आलम। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम ए शवद परहेजगार। गुर्ग सदे ने भेड़िए, पीर आंदे ने बुढ़े ने, पीरी पीर दा मैना बुढ़ा होंदा, ते बुढ़े दा मैना की होंदा तजर्बाकार, जिंदगी कई तजर्बे उस कदी घाटा पिया कदे फायदा, कदे किसी ने लड़िया किसी को धोखा खाधा, जिंदगी होंदा ना उनके तजर्बा है। ये उस नौजवान दे कोल खड़ो गए, उन्हें छेती ना सलाम फेरिया, उस आख्या बुजुर्गो की गल है इत्थे क्यों बैठे हो, कोई मेरे नाल काम है थानू? उसका कहा बेटा काम कोई नहीं, मैं तेनू एक तोहफा देना चाहना। उस नौजवान ने हाथ किया, इस बाबे ने वो पारस पत्थर उनकी तली ते रख दिता, नाल दसिया भी ये लोहे नू लाविए ना तो लोहा सोना बन जाता, जदों तेनू जरूरत होवे। आखिर नेक बंदे नू तो लोड़ हुंदी है नहीं, तू बंदगी कर दिल जमई ना, तो ये जिस तेन जरूरत पवे उतना एक सोना बना लिया, इस उन्हें तली ते रख दिता। पल्ले खर्च नहीं बनते पंछी ते दरवेश, जिन्ना सराय रब दा ओना रिजक हमेश। उस नौजवान ने वो पत्थर दरिया दे सट दे, बाबा आग बगोला हो गया। सच्ची गल है ना, जिहड़ी शाय किसे नूं मुफ्त लभ जावे उनकी कदर ही कोई नहीं। पुत्र पता ही मैं किड्या औखियां गल लभिया, मैं तो जिंदगी गाल छड्डी, तुए ना रखना तो मैनू दे छड्डिया वापस। नौजवान आख्या हुण दे ना, हूँ कितों देवेंगा तू? उस तवज्जो कीते वो पानी पत्थर बार छड़ हूँ। बाबा हैरान हो गया, कहता ये की? वो नौजवान आंदा तो पत्थर नू लभदा रहा, मैं पत्थर आले नू लभदा रहा, वो मेरा तो गुम हूँ होना ही कोई नहीं, इनू किवें मैं सांभेगा? तो बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्ला अलैह दो त्रै होर वह भी बड़ा मुजाहदा करते हैं, सिखा इचों ईसाइया इचों यहूदिया विचों ये मुकाबला गया, फाइनल ते आ गए, ये त्रै चार
बंदे भी ना हूँ पता करी 40-40 दिन बोरे विच रहना एक प्याला पानी दा ते एक जौं लै भी है तुसी लेके बढ़ जाओ अपनी अपनी गारां है उन्हां ले ले बाबा फरीद शकरगंज वो भी को ना ले 40 दिन पिछों इलाके दे लोग कट्ठे आए वेखिए कि जीदे ने कि मर गए ने कि किवें उन्हां दी हालत गैर होई होई रंग खट्टे बटीट होए तुरिया ना जाओ बाबा फरीद शाश बिशाश उन्हें पूछा तुसी असी तो ले गया जौं ते पानी भी तो तू तो ले भी कुछ नहीं गया आपने फरमाया मैं जौं ते पानिया वाला मालिक ले गया वो मेरे नाल ही आ ये मिसालां क्यों लिखिया आई हैं छड़ दे अंबीरी ते लब लै फकीरे अंबीरी चूंदे घाटा खीरे जकात न पूरना दिपे अगू रोजे आंदे पे ने मैं पालू आखन लग पा फितराना टाइम नाल दिब्या है ईद आले दे दिंदे अल्लाह नूं भुल ना जावे या ये है कि कोई गरीब साड़ियां बच्चों तरह कपड़े ना पहन लवे कोई गरीब बच्चे रोजे ना रख लवे अरे वो तेरा एहसान तो को नहीं ना फितराना ये तो तेरे से वाजब किया अल्लाह ने वो तो टाइम ना दे छड्डो वेख लो किनू देना है रोजे पहले रोजे देना शुरू कर दो हो सकता है उन्हां को पैसे ही ना हो रोजे रखण दा तो जो रोज़ा खुलाना होवे उतने ही सवाब मिलता है जितना रखने वाले ने मिलता असीं जो खुलाने रोज़े मैं वेख्या खुलाने मैनू भी सद्या ने करी अफतारी दे टाइम ते ओ मेरे कोलो खड़ो गया आओ जी एस पी खड़ो बैठा है ओ एम पी ए एम एन ए मैं कोई गरीब भी खा बिल्कुल मैं आख्या मैं आखा कोई गरीब ही भी खा ये जितना तेल सड़ के आए ना तो घर भी कर लें वो सानू याद ही नहीं होंगे जिन्ना पानी ना रोज़ा रखिया तो शाम पानी नाले खोल नमाज रोज़ा रखिया है पानी नहीं पींदा पानी हराम नहीं पींदा प्यास जो लगी हुई है तो पी ला नहीं जी मेरा रोज़ा है और लोग के पी ला अल्लाह वेंदा है भावें लोग के ही पी तो जिस वे दुध च पानी पाउंदे वो अल्लाह नहीं वेखदा जिसे झूठ बोलना है किसी नूं फराड करना है रोज़ा वो तेनू नहीं समझ आती भी ये भी अल्लाह वेखदा पे अपनी मर्जी की गल है साड़ी रोज़े अल्लाह क्यों फर्ज किए अल्लाह को बजट मुक जाता नहीं रोज़ियां विच अल्लाह ताला फरमाते ना मैं रिजक बधा छड़ना वे दो गरीब बंदे भी वो फरूट खा लेंदे ने रोज़ियां विच जेड़ा अगे पिछे उन्हां दी पहुँच तो बाहर रोज़े में तां फर्ज किए ने लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुसी मुतकी और परहेजगार बन जाओ एक रोज़ा रख के दो रख के त्रै रख के त्रै ते दवाई ना खा दवाई खांदा बंदा ते वेंदा फर्क नहीं पिया मुड़ डाक्टर नूं जाके आंदा यार मैं त्रिया ते हो गया दवाई खांदे वो फिर दवाई बदलदा है ते तेनू त्रीवें रोज़े ते फर्क नहीं पिया जिमें रोज़ियां तू अगे हाँ है उवें तू रहा है
अज मेरा दावां हो गया, अज मेरा बारवां हो गया, गिनती ना। फर्क तेनों कितना पिया? अपने आप उत्ते नज़र रखनी कि मेरे विच कोई फर्क पिया कि नहीं। सारा दिन सिगरटा नहीं पींदा ते शाम वो सारी कसर कढ लैंदा, वो की फायदा होया तेनों? तेरा खर्चा तो कोई ना बचे, रोज़ा तो चाहता वे तो पैसे बचा ला, बिदाम पी ला। उन्हें जी गरीब आई ये गरीबा खंड दे कड़ा, गरीबा नू खंड दे कड़ा चंगा। दुध नहीं पींदा, बिदाम नहीं पींदा, सिगटा पींदा। इनू ये नहीं पता है कौन मैनू ये काम इस पासे कौन लाउंदा है, जिस जिहड़ा साडा दुश्मन है वो है शैतान। अल्लाह ने फरमाया है कि ये थोड़ा खुला दुश्मन। दोस्तों गुरुजी आउंदे पए ने, अल्लाह सारे नू रखण दे तौफीक देवे, अल्लाह बीमारां नू शफा देवे, बे औलादियां नू खुदा नरीना औलाद देवे। जिन्हां पिंडां विच लड़ाइयां झगड़े कितने कितने कतल कर बैठे ने, उन्होंने समझ नहीं आती। एक मेरी होश तो पहले दा ना साडे इलाके कतल वगैरह तो मन लगी, एक करी वो मैनू खत्म तो लै गए। असला उन्होंने कोल बैठे हुए खुदा मेरे को गल्लां इहो जिहियां कराइयां, अल्लाह ही कराउंदा है ना, अल्लाह कराइयां। तो मैं आख्या भी तुसीं सारे भी मार छड़ो तो थोड़ा तो आना कोई नहीं, कि आ जाते नहीं आते, उन्दे भी गुनाह तू अपने जिम्मे ले लेना। पता नहीं उन्हें को दिल च तौबा कर ले कि नहीं, वो जेड़ा कातल आ ना उन्होंने पुलिस मार छड़े, उन्होंने भी सुकून हो गया। तो बच सपुरदम बतो माए हे शरा तू दानी हिसाबे कमो बेशरा, और जेड़ा भी तेनों दुख है अल्लाह दे सपुरद कर, बीवी बच्चों में अल्लाह दे सपुरद कर। नहीं जी निके निके बच्चे ने ते मुड़ो खावणगे कित्थों, यह होंदा ना। उस बंदे ने माया किया जे तू मर गयो तो फिर आंदा जी फिर अल्लाह वारस, जीउंदा आ तो बंदा अल्लाह नूं वारस नहीं बनन दिंदा, तो जे जीउंदा ही आख छड़े भी अल्लाह तेरे ने ते हैण तो अल्लाह दे ना करके ते वेख। पीर मिठा रहमतुल्लाह फरमाया कि ना भाई काम खुदा वास्ते कीता करो, आखिर जी खा भी है कितों? उन्हें को जवाब दिता खावीए कितों? आपने फरमाया थोड़े घर कोई मंजी जुली कोई नहीं? वो तो है जी यार, वो वेच के वो खाओ, खुदा ना सौदा करके तो वेखो सारिया अगलिया नहीं साड़ा होगा। तवक्कल ही इतना है ना। बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कंजरी वली अल्लाह कर छड़ी, मुर्दा गांठ ठुड्डे ना जिंदा कर छड़ी, किदाई नमाज पढ़ी तो उस मौलवी नूं पता लगा भी ये वो बजुर्ग है जां कंजरी नूं वली अल्लाह कीता। फरमाया जनाब तुसीं फलाने हो? कि हाँ, मैं सुनिया तुसीं नहीं मंगदे मुरीदां को पैसा पोगे, नहीं मैं मंगदा। हुण लंगर किवें चलदा? आंदा ये तो चलावा वाले नूं पुछना, जिहड़ा चलाउंदा पिया मैं कहड़ा चलाउंदा? उंजे मैं नमाज दुड़ा लवां, मेरी नमाज नहीं होई। जिहनूं राज़क दा नहीं पता उंदे मगर मेरी नमाज हुंदी। हो सकदा है तुसीं आए गल सुण के अल्लाह मैनूं भी तौफीक देवे, साडा तवक्कल खुदा ते हो जावे। अल्लाह पिया दा मैं रोज़ी मेरे कोल, मैं दिन मुड़ सोच के वेख लो
होर कोई तरीका है तो गन्ने च मिठा कौन पाऊंगा। सर्दियां आईया ने जमीन देठ पानी गर्म कहाँ किया, पानी गर्म की लोड़ आई ना सर्दियां अगुण गर्मियां आउंदियां पे जमीन देठ ठंडा पानी कहाँ करना। मेरी मेरी करना है पिया कुफर दी बेड़ी चढ़ना है तेनू दो गज कफन दा मिलना है वह भी पाया पाया ना। मौत बर हक है कफन में शक है तुझे क्या मालूम तेरी आखिरी आरामगा समुंदर के गहराई में हो या किसी दरिंदे के मेदे में हो या के जमीन के पेट में ये कोई पता नहीं। कपड़ा दो थानू कलमे पढ़ावीए जिन्ना मुरीद होना आवे वो दिल च आख लैण से मुरीद होंगे पे मैं ना कौन नहीं लिखता आ जे मुरीद होए ना को पुछ लो कि थोड़े कुहाड़ी सुन लेंदा मैं थानू भी आना जो मुरीद हो भी जाओ तो ना दिवे हाड़ी सुन अब्बल तो अब मुरीद पे होंगे हो किनू असा आके काले रंग का बकरा दे इतने पैसे दो थानू सवाब चाहिए तो मैनू नहीं सवाब चाहिए मैनू भी सवाब चाहिए अगर हुण तुसीं करोगे तो फायदा तो होना जिवें असीं पढ़ीए उवें मगर पढ़दे आओ पर जिन्ना मुरीद होना है वह इरादा कर लवन कि मैं मुरीद पिया हुन्ना जिन्ना मुरीद नहीं होना इरादा ना करो कलमे जरूर पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तूबु इलैह। दुआ मंगो अल्लाह ताला दीन दुनिया दे मुश्किल आसान करे परेशानियां दूर फरमावे कारोबार च बरकत होवे दीन दा शौक होवे या अल्लाह बे औलादियां नूं नरीना औलाद अता फरमा या अल्लाह जिन्हां दीआं बच्चियां बच्चे जवान ने उन्हां दे कोई नेक सबब बना या अल्लाह बीमारां नूं सेहत कामला अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नाक अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या पहला सबक है जेड़े मुरीद होयो जेड़े मुरीद नहीं होयो मेरे लू पहला भी है ते आखरी भी है अगां अपने पीरां कोल पुछो इत्थे लतीफा कलब हुंदा जिन्हों आपां दिल आखने अल्लाह 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 दिल विच पढ़ लै टैंकी विच पानी साफ हो टूटी जेड़ी भी खोलोगे पानी साफ आए टैंकी च पानी गंदा हो टूटियां सोने दियां लाउंदे रहो पानी गंदा ही आऊंगा। ये मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया लेकुल्ले शैन सिकालतुन व सिकालतुन कलूब जिक्र अल्लाह हर चीज़ की सफाई वास्ते कोई ना कोई शाय है तो दिलां की सफाई वास्ते अल्लाह का जिक्र मोमना जिक्र खुदा बिसियार गो ताब याबी दर्द आलम आबरू ऐ मोमन जे तू दो जहान की कामयाबी चाहना है तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करे अल्लाह का हुक्म ही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा ऐ ईमान वालो मेरा जिक्र कसरत नाल करो। कितना खर्चा आवेगा कितना औखा है मैं जी अनपढ़ मैं कर नहीं सकता ये तो बच्चे कर लेंगे अल्लाह 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 दस्त बकार दिल बायार हाथ कार की तरफ दिल परवरदिगार की तरफ।
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅਗਾਂ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ, ਯਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਲਮ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਾਫਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਕਰਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕੇਸਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਭਲਾ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆਈ? ਪੀਰ ਮਿੱਠਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਆ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਆਣ ਗੜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਨਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੱਚ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿਕਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਬਾ ਜਮਾਤ। ਦੋ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੋਵਣ ਨਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਪਰਸੋਂ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਪੀਰ ਮਿੱਠਾ ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਲੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੜੇ ਹਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਾਪ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ, ਇਹ ਫੈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਓ। ਘਰ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੀਵੀਆਂ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਬੰਦ ਕਰਾਓ? ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ।